देखो मैं मकाई टुड़ा दी, ऊपर भी उड़ा, नीचे नीचे उड़ा रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ प्रिया, स्वागत करती हूँ आपका प्रिया राज लाइफ में। और आज का दिन है संडे और देखेंगे आज क्या क्या होगा संडे में। अभी तो ऐसा सच कुछ प्लान नहीं किया है, बट हम माँ और बेटे मिलके आज ये संडे कैसे मनाएंगे, चलो देखते हैं आज संडे का दिन कैसा रहता है। फ्रेश फ्रेश होके नहा धो के अब बस मैं पूजा करने जा रही हूँ, पूजा करूँगी। वंशित अभी तक सो रहा है, यूवी तो मेरे साथ ही उठ जाता है, तो यूवी उठ गया है, वंशित अभी सो रहा है, तो फिर अभी चलो पूजा करते हैं। और हाँ एक अपडेट दे दूँ, यूवी को ना बुखार हो रखा है, बहुत ज़्यादा जुकाम हो रखा है यूवी को। यूवी मतलब लिटरली, यूवी इधर आओ, गुड मॉर्निंग बोलो सबको, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोल दो। और इसकी प्रॉब्लम ये है ना कि ये कैप नहीं पहनता है, कितनी भी सर्दी हो कैप नहीं पहन रहा है, सॉक्स भी बहुत मुश्किल से डरा डरा के इसको पहनाए हैं, वरना ये सॉक्स भी नहीं पहन रहा है। तो वो बड़ा मेन रीजन है, एक तो इतनी ठंडी है और ऊपर से कैप नहीं है, सॉक्स नहीं है, तो वो ऐसे ही घूमता रहता है, उसी वजह से इसको सर्दी जुकाम और बुखार हो गया है। तो चलो अभी पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, वंशित को उठाते हैं फिर। मैंने सोचा अपने लिए चाय बना लेती हूँ, तो बस चाय बना रही थी और बिस्किट दो, मैंने सोचा सुबह सुबह चाय पी जा लेती हूँ। बिस्किट दो ना मम्मा को, लो खोले मम्मा, दो ओपन करेगी मम्मा, दो लो दे दो यूबी, दो। हाँ यहाँ ये मेरी कचौड़ियाँ बनानी थी, जैसे आपको अगले ब्लॉग में बताया था, तो कचौड़ियों का आटा है, ये मसाला बना दिया था मैंने मटर का, ये मैंने रात को ही मसाला बना के रख दिया था। और ये दो चार मैंने पहले सैंपल के लिए कचौड़ी बनाई थी, दो बेलकर बनाई थी और दो हाथ से बनाई थी, मैंने सोचा था जो बेटर बनेगी फिर उसी तरह से बाकी सारी की सारी बनाऊँगी। और लिटरली इतनी बढ़िया बनी ना, दोनों ही बहुत अच्छी बनी, बेल के जो बनाई थी वो भी अच्छी बनी और जो हाथ से बनाई थी वो भी बहुत अच्छी बनी। और देखो शक्ल कितनी सुंदर है, बिल्कुल जैसे बाजार वाली क्रिस्प होती है ना कचौड़ी, बिल्कुल वैसी बनी थी, बहुत ही यम्मी। और कचौड़ी का क्या है, बहुत जल्दी बनती है, कचौड़ियाँ तैयार है और ट्रस्ट मी ये इतनी अच्छी बनी है ना, बहुत अच्छी। और सबसे बड़ी बात, इसमें मैदा नहीं है, बिल्कुल मैदा नहीं है, ये आटे की बनी है, इसमें बस मैंने थोड़ी सी सूजी डाली है और इतनी क्रिस्प और बिल्कुल बाजार जैसी फूली फूली, और साथ में मेरी खट्टी मीठी वाली चटनी मैंने ले ली है। धूप आ रही है ना इधर, धूप है हमारे ना लॉबी में, थोड़ी सी धूप आती है तो वहाँ अच्छा लगता है। वंशित पढ़ रहा है, उसको पढ़ने बैठे, उसके कल से टेस्ट स्टार्ट है तो उसको पढ़ने बिठा दिया है। और यार मेरी ना ये आँख पता नहीं क्यों तीन चार दिन से फड़क रही है, मैं भूल गई हूँ दाई आँख फड़कना अच्छा होता है कि बाई आँख, मुझे बताना कमेंट करके। मेरी ना ये वाली, ये कौन सी है, दाई दाई आँख फड़क रही है तीन चार दिन से, मुझे कमेंट में बताना कौन सी वाली अच्छी होती है, दाई अच्छी होती है कि बाई अच्छी होती है। तो बस अब इसको दूध पिलाऊंगी, फिर अब झाड़ू पोछा बर्तन ये सब साफ सफाई का काम रह जाएगा, वो साफ सफाई का काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अगर बीच में ऑन किया कैमरा तो ठीक है, ये क्या लगा रखा है बालों में, देखना ये क्या गांठ बना दिया, क्या चिपका दिया बालों में, कुछ भी करता है ये।
बढ़ा दिया भैया ने। ऊपर भी उड़ा, नीचे नीचे उड़ा रहा है। ढंग से उड़ा। ओ देखो मम्मा काइट उड़ा रही। देखो मम्मा काइट उड़ा रही। मम्मा काइट उड़ा रही। ओ देखो तो ये देखो माइल्ड छोटी सी बगिया, देखो इसमें बैंगन भी लगे हैं, दिखाओ। ये देखो कितने सारे बैंगन लगे हैं। ये पालक, मेथी, धनिया, ये देखो इधर भी बैंगन लगे कितने सारे, बहुत सारे। ये भी है। तो हो गया है हमारा डिनर टाइम, और मैं और वंचित आज डिनर में कर रहे हैं सोया चाप। देखो ये सोया चाप है, ये मैंने नहीं बनाया है, ये बाहर से लेके आया है। ये सोया चाप है और ये प्याज है हरी चटनी के साथ। वंचित ने साथ में थोड़ा सा ब्रेड भी लिया है। तो बस यू भी सो रहा है, मैंने पहले से बताया था। तो बस आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट लिख देना। बाय बाय।